दोस्तों ये हमारे इलाके की नदी है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इसमें पानी आया था। ये जब इसमें पानी आता है तो आप देख रहे हैं ये ऊपर तक जो हरियाली आपको नजर आ रही है यहाँ तक पानी आता है। ये इतनी भरी हुई होती है, मतलब 15-20 फीट का पानी आता है इसमें। तो यहाँ कुछ भी उस टाइम नज़र नहीं आता। अभी तो ये पानी बिल्कुल सूख गया, खुशक हो गई है। दोस्तों अभी दोपहर का टाइम है, इसलिए जो है ना यहाँ पर सूरज भी अभी तक खड़ा हुआ है तो लग रहा है, तो इस वजह से वीडियो आपको थोड़ी मज़े की नहीं मिलेगी। ग्राफिक्स इसके जो हैं वो नहीं है। शाम को जब होती है, मगरिब होने वाली होती है, तब इसके ग्राफिक्स यहाँ ऐसे होते हैं, ये सीनरी देखने की होती है। मतलब ये हमारे इलाके की नदी है, तकरीबन मेरे घर से समझो कि 1 मिनट की दूरी पर है। तो मैं अपनी टेक वीडियो भी यहाँ बनाने आता हूँ। मेरा दूसरा चैनल है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वो भी विज़िट कर लेना। उसकी जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो भी यहाँ आकर मैं शूट करता हूँ। बाकी यहाँ बहुत मज़ा होता है, हमारा सारा बचपन यहीं गुजरा है। जब हम छोटे थे तो यहीं पर आते थे, इसी पानी में नहाते थे, यहाँ नदी आती थी। जब भी बरसातें होती है तो ये नदी भर आती है। वैसे तो आम दिनों में ये नदी खाली होती है। जब बरसात होती है ज़्यादा पानी होता है, जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ज़्यादा बारिश होती है तो फिर यहाँ पानी आता है, तो फिर हम यहाँ नहाने आते थे। लेकिन बचपन में, अभी नहीं आते, 15-16 साल पहले आते थे, अब नहीं आते। अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए, दाढ़ी मूछ भी आ गई है। पहले तो छोटे थे तो आते थे यहाँ नहाने, अब नहीं आते। अब जो छोटे हैं वो नहाते। दोस्तों ये थी हमारे इलाके की नदी, आपने भी देखी, आपको भी मज़ा आया होगा। अभी हम वापस चलते हैं, आपको भी अपने इलाके की नदी दिखाई। अब हम अपने घर वापस चलते हैं, ये आपको रास्ता भी दिखाते हैं। दोस्तों ये नदी के ऊपर ही जो है ना कब्रिस्तान पड़ता है, ये कब्रिस्तान भी आपको नज़र आ रहा है। ये कब्रिस्तान भी माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है, चल चल के थक जाएंगे लेकिन कब्रिस्तान ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम भी चलते हैं वापस घर पर। यहाँ पर आपको बहुत ही मज़े की सीनरी मिल जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ हरियाली हरियाली नज़र आती है।